है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी दिन हो गए थे मैंने वीडियो नहीं डाला था चैनल पे, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 4-5 महीना या उससे ज्यादा, क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है लास्ट वीडियोस जो लॉन्ग वीडियोस मैंने डाली है वो 26 जनवरी के आसपास जो नैनीताल का मेरा ट्रिप था ना वो किया था और उसी की वीडियोज मैंने डाली थी। उसके बाद से टाइम मिला नहीं, घर के कुछ कामों में बिजी हो गया था और अब जा करके थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचा आज क्यों ना एक व्लॉग डाला जाए। आज हम लोग जा रहे हैं, हम लोग अभी तो फिलहाल मैं अकेले निकला हूँ अपने होम टाउन फिलहाल। हाँ, ये बता दूँ कि मैं अभी अपने होम टाउन बिहार में हूँ, इस टाइम सोनपुर पड़ता है। तो अभी मैं अपने गांव से निकल चुका हूँ पटना की तरफ और मेरे कज़न ब्रदर्स जो हैं वो लोग वहाँ रहते हैं रूम लेकर के, वो लोग अपना गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन वगैरह करते हैं। तो जा रहा हूँ उन्हीं के पास और उनको पिक करता हूँ और उसके बाद हम लोगों का थोड़ा सा आज घूमने का प्लान है। और आज सैटरडे है और तो सोचा कि चलो आज वीकेंड पर थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। तो फिलहाल मैं अभी गांव से तो निकल गया हूँ और यहाँ से सीधा जो रास्ता है हाईवे अपना राइट लेंगे इधर से और पटना की तरफ निकल जाएंगे। तो वैसे जो प्लान है आज घूमने का, सासाराम के साइड जा रहे हैं हम लोग। एक बार और मैं जा चुका हूँ बट उतना पता नहीं था और गलत टाइम पे चला गया था, लाइक गर्मियों के टाइम में, और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए बट मैं एक ही जगह गया और वो भी कुछ खास मज़ा नहीं आया था। तो उसका खैर मैंने कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की थी उस टाइम पे, जस्ट फोटोज़ वगैरह क्लिक किए थे। बट आज जहाँ जा रहे हैं वो वहाँ वाटरफॉल देखने को मिल सकता है आई होप, और तो तुतला भवानी जगह है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर कुछ गलत होगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा बट मेरे ख्याल से तो नाम सही लिया है मैंने। सो मैं भी पहली बार उधर जा रहा हूँ, उस जगह वाटरफॉल कैसा है क्या है देखने को मिलेगा भी कि नहीं, बिकॉज अभी जस्ट मानसून ख़त्म हुआ है, इवन अभी बारिश कुछ जगहों पे हो भी रही है। तो जो सासाराम जो एरिया है यहाँ पे अगर आप मानसून के टाइम जाओगे तो काफ़ी अच्छा है, यू नो, घूमने लायक है और मौसम भी अच्छा है और काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। तो आज देखते हैं क्या कुछ घूमते हैं, कैसा कुछ रहता है, मैं भी घूमूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और फिलहाल पटना पहुंचते हैं और अपने भाइयों को पिक करते हैं क्योंकि अब अकेले तो नहीं जाऊंगा, उन लोगों को साथ लेकर के जा रहा हूं, तो मिल के एंजॉय करेंगे तभी तो मज़ा आएगा ट्रिप पर। सो लेट्स गो और आप लोग भी बने रहें वीडियो पे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार और वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं जरूर। ये देखो भाई सुबह के कितना 5:44 मतलब ऑलमोस्ट 6 बजने वाला है और मैं आपको कुछ बाहर का नज़ारा दिखा दूँ। इधर मेरे खेत वगैरह भी इसी तरफ पड़ता है और जब भी मानसून आता है ना बिहार में तो और गंगा नदी का जो पानी बढ़ जाने के वजह से इधर खेतों में भी पानी आ जाता है। तो अगर आप देखोगे बाहर तो पूरा इधर जो खेतों में पानी भर गया है और ये जो है ब्रिज जो आप सामने देख रहे हो ये है जेपी सेतु बोलते हैं इसे, और इस पुल के नीचे जो है रेलवे का है, मतलब एक्चुअल में तो ये रेलवे का ही पुल कहते हैं क्योंकि नीचे रेल चलती है और ऊपर ये जो दो लेन का आप जो रोड देख रहे हो ये है। तो काफ़ी अच्छा है इसके हो जाने की वजह से, मतलब मेरे लिए और मेरे गाँव वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया कि पटना अब ज़्यादा दूर नहीं है, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम इस पुल को क्रॉस करते ही हम लोग पटना पहुंच जाते हैं। तो पटना की जो कनेक्टिविटी है काफ़ी अच्छी हो गई है। तो बाकी गंगा नदी के ऊपर ये पुल बना है और हाँ, रिसेंटली इसके साथ में एक नया हाईवे भी बनने वाला है 6 लेन का आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो बन जाएगा तो और काफ़ी कुछ जो है अच्छा हो जाएगा बिकॉज अभी हैवी ट्रक्स वगैरह इस पुल के ऊपर अलाउड नहीं है। तो उस वो पुल बन जाने के बाद से फिर ये होगा कि ट्रक्स वगैरह का आना जाना और काफ़ी कुछ मतलब अच्छा हो जाएगा, बसेस वगैरह जो है वो सब आएंगे जाएंगे। फिलहाल इस पर हैवी लोड व्हीकल्स अलाउ नहीं है, कभी कभार ही आते हैं या कोई चोरे छुपे रात में निकाल ले तो वो अलग बात है। सो ये देख सकते हो व्यू, पता नहीं कितना दिख रहा होगा आपको बट मेरे साइड में देखो कितना पानी गंगा नदी में बढ़ गया। सो ये जो पुल का जो लेंथ है ना 4.5 किलोमीटर के आसपास है, तो इसको क्रॉस करते हैं और मरीन ड्राइव
जो बिहार का पटना का फेमस यू नो स्पॉट है आजकल का, तो वहाँ से होते हुए भाइयों के पास जा रहे हैं तो उनको पिक करते हैं, तो फटाफट से चलते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली, 6 बजे का टाइम दिया था उनको और 6 तो लग रहा है पुल क्रॉस करने का मतलब अभी हो जाएगा, तो फटाक से उनके पास पहुँचता हूँ। देखो यार क्या तगड़ा व्यू है ना यहाँ से गंगा नदी का, कितना पानी बढ़ गया। मतलब बरसात के मौसम में तो इतनी खतरनाक लगती है ना गंगा नदी कि मतलब लगता है कि जैसे रोड पे ही आ जाएगा पानी, इतना पानी बढ़ा हुआ है नदी का। देख सकते हो अब ये जो सामने पुल देख रहे हो ना आप रेलवे का, जेपी सेतु बोलते हैं इसे, अभी इसी को मैं क्रॉस करके आया हूँ। जस्ट ये ऐसे गोल घूम करके यहाँ नीचे आ जाता है और यहाँ से अभी मैं गांधी मैदान की तरफ जा रहा हूँ और पटना तो हम एंटर कर ही गए हैं। और यही रोड जो है मरीन ड्राइव जो है गंगा पथ एक्चुअल में इसे बोलते हैं, बट मरीन ड्राइव के नाम से ही फेमस हो गया है। तो काफ़ी यहाँ पे शाम के टाइम भीड़ रहती है, लोग घूमने आते हैं, तो चलते हैं आगे। तो ये ऐसा कुछ मरीन ड्राइव, ये जो गंगा पथ है ये रोड, ये गंगा नदी के ठीक साथ साथ बना हुआ है और ये रोड काफ़ी एक्सपेंड भी होने वाला है अभी। तो इसके साथ देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पे फूड ट्रक्स वगैरह लगे हुए हैं, तो जनरली लोग शाम को यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है, मतलब पार्किंग की तो जगह ही नहीं मिलती है, तो रोड के साइड में ही गाड़ियाँ लगा करके फूड ट्रक एंजॉय करते हैं यहाँ पे खाना। और उधर आप देख सकते हो कि क्या व्यू है, मरीन ड्राइव इसलिए इसका नाम दिया गया है मुंबई के तर्ज पे। तो ऐसा कुछ व्यू आता है यहाँ से, कार से तो नहीं पता चलेगा बट आगे बाउंड्री के पास जाके खड़े हो गए तो आपको देखने को मिलेगा। तो साइकिलिंग कर रहे हैं देखो हेलमेट पहन के, आई डोंट नो व्हाट हैपन बीच में, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। एक जगह मैं मेट्रो का दिखा रहा था, ये बोल रहा था कि पटना मेट्रो जो बन रहा है वो अपनी दिल्ली मेट्रो ही बना रही है वहाँ पे। सो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में ही घूम रहे हैं, बिकॉज सेम फील आता है उसको देख करके। तो ये जो अभी मेरे बगल में हॉस्पिटल वगैरह है, आई थिंक PMCH है, और ये जो देख रहे हो ये इस तरह का पुल दिल्ली में तो नहीं देखने को मिलेगा, बिहार में ही बन रहा है ये, इसको डबल डेकर कहते हैं। सो एक्चुअली ज़्यादा चौड़ा तो नहीं है बट इसमें दो एक के ऊपर एक पुल रहेगा, मतलब नीचे जहाँ अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ वो तो है ही, बस ये जो बीच में आप देख रहे हो यहाँ से भी गाड़ियाँ चलेंगी और उसके ऊपर भी पुल रहेगा उस पर भी गाड़ियाँ चलेंगी। तो इधर हमेशा थोड़ा जाम वगैरह रहता है इस कंस्ट्रक्शन के काम के वजह से, तो अभी सुबह का टाइम है तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा और इजीली आगे हम लोग पहुंच जाएंगे। बाकी अगर इधर दोपहर के टाइम आते हो कभी ऐसे तो इतना जाम लगता है ना भाई पूछो मत। गाड़ी लाना तो मतलब अपना ये समझ लो कि दिल्ली का उत्तम नगर का जो हाल है ना, एकदम ट्रैफिक जो लगा रहता है शाम के टाइम या जो पीक आवर्स होते हैं उस टाइम पे जो ट्रैफिक रहता है उत्तम नगर में या पुरानी दिल्ली टाइम, एकदम वैसा ही जाम रहता है इस रोड पे। तो अभी तो 6 बज रहे हैं तो इसलिए मैं अंदर लेके आ भी गया गाड़ी, नहीं तो वैसे तो मैं लाता भी नहीं यहाँ पे। तो अभी इस पुल का काम चल रहा है काफ़ी, अभी बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ है बट ठीक है, टाइम लगेगा। और इसी के ठीक नीचे जो है ना यहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो भी है, तो वो जो पीछे गांधी मैदान जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, आई डोंट नो क्या हुआ, मैं बोलते जा रहा था और वीडियो 1-2 सेकंड का रिकॉर्ड होकर के ना बंद हो गया था तो मैं दिखा नहीं पाया। अभी यहाँ से रिटर्न भी होऊंगा तो तब दिखा दूंगा। बाकी ये देखो फिर से DMRC पटना मेट्रो का बोर्ड दिख रहा होगा आपको, तो इसके नीचे जो है अंडरग्राउंड यहाँ से मेट्रो है तो, और यहाँ पे आई थिंक लास्ट मेट्रो, इसके आगे अभी मेट्रो का काम नहीं हो रहा, पीछे से मेट्रो होते हुए आ रहा है। तो अभी मेरे भाइयों से बात हो गई है, वो लोग वेट कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस आई थिंक एक क्या तो नाम बताया था उसके पास वो लोग मिलेंगे, तो पहुँच ही गया हूँ, बस हार्डली 5 मिनट और लगेगा। वैसे ये अगर पीक आवर का टाइम होता ना इस रोड पे, 5 मिनट तो दूर की बात है, यहाँ पे 2 घंटे भी लग सकते हैं पहुँचने में। ये देखो मेट्रो का काम पूरा खोद रखा है, सही काम चल रहा है यहाँ। चलो तो ये है पटना मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर।
डाल दीजिए सब का चालान कटेगा, यूपी में वो कटा नहीं था कि वो लेडीज जा रही थी जो क्या चल रहा है भाई रोड का सफाई समझे में नहीं आया, धूल मिट्टी ना उड़े इसलिए पानी का ये जो है ना जो मेट्रो वाला काम उन लगा हुआ मेट्रो वाले हमेशा करते हैं तो धूल मिट्टी के लिए उसी के लिए जा रहा है। तो फाइनली सब लोग आ गए हैं गाड़ी में, मेरा भाई वगैरह, ये है सौरभ, धीरज और यो अभिषेक। तो क्या हाल चाल है, गुड मॉर्निंग। और धीरज कैसा लग रहा है? बहुत मस्त। सुबह सुबह कितना 6:30 हो गया, हम लोग वापिस से मरीन ड्राइव की तरफ जा रहे हैं तो क्योंकि रूट उधर का ही है तो इन लोगों को अभी जस्ट पिक किया था। और क्या नाम है अभिषेक, रात में लाइट नहीं आया सुनने में, पूरा लॉज का लड़का लोग रात भर बदमाशी किया है, दुकान मालकिन हल्ला करी जाके सो जा लड़का लोग छत पे उड़दंग में जा रहा है, मतलब 11 बजे रात से लेकर मॉर्निंग के 5 तक लाइट पूरा आक्रोशित हो गया ये दुर्गा पूजा को लेकर मेंटेनेंस के काम के लिए, और छत पर धरना पर बैठे, अरे छत पर लड़का लोग झगड़ा भी किया भाई सोने के लिए, झगड़ा भी किया, कुछ लोग सो रहा है कुछ लोग हल्ला कर रहा है, सामाजिकता तो था, सामाजिक एंटी सोशल स्टूडेंट लाइफ पटना। आज फिर वो अंकल आज 10 बजे दिन में वो रखे हैं सब लड़का लोगों का कॉन्फ्रेंस रखे हैं, बैठक बुलाएंगे, रात भी अब जाना है तो एयरफोन का यूज करना है गाना सुनने के लिए छत पे। चल पहुंच गए अभी गंगा ड्राइव पर, मरीन ड्राइव पटना पीपल्स पटना वालों के लिए यही मरीन ड्राइव है, मुंबई वाला यही फील ले पटना की ब्यूटी हमारी ड्यूटी ये हमारी पटना की साफ सुथरा पानी बिल्कुल प्लीजेंट मौसम, और ये इधर भैया राइट में शताब्दी द्वार सभ्यता द्वार, अच्छा सभ्यता द्वार सेकेंड हाईएस्ट गेट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिया गेट, अच्छा बढ़िया सही है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं किधर, नौबतपुर, नौबतपुर हाँ। भाई मुन्ना अगर तू देख रहा है वीडियो तो तेरे ससुराल क्रॉस कर रहे हैं अभी ससुराल, कुछ मैसेज वगैरह है कुछ तो फोन करके बता देना, अभी यही हूँ बिहार में एक आध महीना, बाकी लोकेशन बड़ी अच्छी है और मेन हाईवे से थोड़ा सा हट गए हैं, गूगल ने ये वाला रास्ता दिखाया है और इस रूट से पहले भी मैं आ चुका हूँ, तो पहले तो थोड़ा रास्ता खराब था बट अभी सही है, अच्छा जंगल वाला रास्ता और पूरा ग्रीनरी हर जगह एक नंबर लग रहा है, मतलब लग रहा है स्वर्ग की तरफ जा रहा है सीधे भितरामपुर ले अरे सही में भाई इधर निकल गया वो छुपा रुस्तम निकल गया रास्ता खोदा पहाड़ निकली चुड़िया लॉर्ड ऑल्टो पहाड़ों की रानी पहाड़ों की रानी हर जगह की रानी पहाड़ों की तो है ही रानी मस्त है दोनों तरफ एकदम जंगल वगैरह एकदम व्यू एक नंबर, और सुबह सुबह निकलने का एक फायदा रहता है ना ज्यादा धूप नहीं रहता और बड़ा अच्छा सीन सही। तो अभी हम लोग रोहतास जिला एंटर कर चुके हैं, काफी देर से गाड़ी चला रहे थे कहीं हमने ब्रेक भी नहीं लिया, तो अभी एक स्टॉप से अभी ये देखा है स्पॉट डैम लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके, खतरनाक टाइप, और ये सोन नदी है आगे, तो नदी के साथ हम लोग आ रहे थे और क्या फ्लो है पानी का आप लोग भी देखो मस्त लग रहा है, और उधर एक आदमी है मछली पकड़ रहा है जाल फेंक करके रिवर ओरिजिनेट करती है उतना फ्लो और आवाज आ रहा है, हाँ उधर देखना मिट्टी भी लग रहा है कि कट रहा है एकदम सीधा, एंटी डस्ट गन इधर भी है क्या पॉल्यूशन का हटाने के लिए दिल्ली में घूमता रहता है सही रोड पर। फाइनली हम लोग पहुंच गए और यहां से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है, और सामने व्यू देखो क्या तगड़ा लग रहा है, पहाड़ ही पहाड़, ये रोहतास में है हम लोग हैं सासाराम, रोहतास है लगेगा ना ये सासाराम थोड़ा अलग हो गया, और ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है तुतला भवानी,
सही है ना नाम? हाँ, तो थोड़ा सा आगे निकल गए थे हाईवे पे, बाकी ये खेत के साथ पहाड़ का व्यू थोड़ी देर के लिए तो मुझे उत्तराखंड और हिमाचल की याद आ गई थी देखो क्या मस्त लग रहा है व्यू, ऑसम। वाइड एंगल में देखो 0.5 किया है मैंने, अच्छा व्यू आ रहा है। बिहार में भी ये सब है एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ बस लोगों को पता नहीं है, इसलिए तो मैं निकला था आज के, मैं चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए हालांकि इस तरफ आया हुआ हूँ बट वो दूसरी जगह घूम के गया था, बट ये जहाँ जा रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छी जगह है और सुना है यहाँ वाटरफॉल है बहुत ही अच्छा, तो देखते हैं वाटरफॉल देखने के लिए मिलता है कि नहीं और क्या कुछ होगा वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बाकी ये गाँव से होकर के रास्ता जा रहा है, सामने पहाड़ी पहाड़ है बहुत दूर से दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है, यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं है। बाकी व्यू देखो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से चल रहे हैं आगे की तरफ और यहाँ पे दिल्ली की एक ऑडी आके खड़ गया, लाइट उसने ओपन ही छोड़ दिया लग रहा है, भूल गया था, बट अपन ने भी गाड़ी यहाँ लगा दी है। एक बनारस की गाड़ी है, एक ये ऑडी दिल्ली नंबर। सो चल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ, देखते हैं कहाँ से रास्ता है। ये वाला जो रूट है हम लोग इधर से आए हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादातर लोग उस वाले रूट से आ रहे हैं, मे बी अब दिख जाए आपको, ज़्यादातर गाड़ियाँ उस रूट से आ रही है। तो ये वाला रूट भी बन जाएगा तो लोग यहाँ से भी आ सकते हैं, हम लोग तो इधर से ही आए, कोई दिक्कत नहीं। पुल वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो गया है, बाकी यहाँ बीच में दो पहाड़ों के बीच में स्पेस, क्या मस्त लग रहा है ना, मज़ा आ गया देख करके। आप लोग भी कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। वो देखो वाटरफॉल, क्या गजब लग रहा है वाटरफॉल, देखो वो गिर रहा है पानी मतलब बिहार में ऐसी जगह भी हो सकती थी, किसी ने सोचा नहीं था। लाइक मेरे भाई लोग तो यहीं रहते हैं बट वो भी यहाँ पर कभी आए नहीं है ना कभी सोचा था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो ये लोग का भी फर्स्ट टाइम है और मैं भी इस पर्टिकुलर एरिया में पहली बार ही आ रहा हूँ पानी तो अच्छा गिर रहा है। हाँ हाँ सही गिर रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करो यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये हम लोग रोहतास में हैं और वहाँ पे देखो वाटरफॉल तो फाइनली दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। आई वांट टू डेडिकेट सम लाइन फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ हाँ बिल्कुल, तेरे तेरे झरने से है आलम में बहारों को सबात, क्या बात है, झरने से है आलम में बहारों को सबात, तुम्हारे दृश्य के सिवा इस जहां में रखा क्या। वाह 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 वाह, थैंक यू पानी में भैंसा रखा भैंस नहा रही है और वो वर्ल्ड के बेस्ट फोटोग्राफर पोर्नोग्राफर धीरज भैया ऑन द वे टू क्लिक द बेस्ट मोमेंट ऑफ कोकोला टू डाउनफॉल वाटरफॉल। मस्त, गर्मी भी नहीं है अभी, मतलब मौसम ठीक है, हालांकि 30 डिग्री 30 31 के आसपास है टेम्परेचर अभी बट गर्मी लग नहीं रही है। वाटरफॉल मस्त लग रहा है, कितनी सारी तितलियां है देखो, मस्त लग रही है, ऑसम। ऐसा मतलब लगता है कितना साल हो गया होगी, तितलियां वैसे तो दिखाई देती नहीं है बट बिल्कुल हमारे पास में, बिल्कुल इनके बीच में हम लोग खड़े हैं। और इधर देखिए ये दिखा दीजिए, हाँ पीछे का व्यू जहाँ पे हमने कार पार्क की है उस जगह पर, और क्या मस्त लग रहा है यार तितलियों के बीच में, देखो कितनी सारी तितलियाँ हैं अलग अलग कलर की, कैसा लग रहा है धीरज? फैंटास्टिक उधर देखो वाटरफॉल देखे कि नहीं? हम लोग को वहीं जाना है, वहीं जाना है, आते हैं उधर ही जाना है, चलो चलते हैं आगे। तो ये है गेट माँ तुतला भवानी इको पर्यटन स्थल और यहाँ पर पार्किंग वगैरह है। मेन रास्ता जो पुराना आई थिंक है वो यही है जो मेरे पीछे देख रहा है, और हम लोग इधर से तो नहीं आए, GPS ने जो रास्ता दिखाया बट वो अच्छा रास्ता था। तो अभी यहाँ से अंदर चलते हैं और यहाँ पे कई सारी शॉप्स भी देख सकते हो आप। ये है यहाँ से एंट्री, लेट्स सी।
लोग पहुंच गए हैं बिल्कुल सामने मंदिर के, और बहुत ही मस्त आवाज़ आ रहा है पानी का, और ऊपर से वाटरफॉल वहाँ पे हो रहा है देख सकते हो, और एकदम खड़ा पहाड़ है, खतरनाक लग रहा है, पसीना हो गया भाई चलते चलते। वैसे कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बट थोड़ा सा ह्यूमिड हो गया है, बट हवा आ रहा है, जब हवा लग रहा है तो ठंडा है, वैसे ठीक है। ऊपर देखो, हम लोग आ गए हैं एंट्रेंस पे मंदिर के, और यहाँ से एंट्री है, और ये कुछ कुछ जो अपना ऋषिकेश का झूला टाइप नहीं है, राम झूला लक्ष्मण झूला उसी तरह बनाया हुआ है, बट अभी रिपेयरिंग चल रहा है कुछ, शायद फट्टा वगैरह इसमें टूट गया है, तो ऊपर से जाने नहीं दे रहे हैं, तो बोला है नीचे से आराम आराम से जा सकते हो, तो रस्सी लगा हुआ है, तो लोग जा रहे हैं नीचे से, और क्या ज़बरदस्त वाटरफॉल है और अमेजिंग व्यू, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। और उधर पहाड़ों पे देखो जो बीच बीच में दिख रहा है ब्लैक ब्लैक सा, ऐसा लग रहा है कि पानी उसके अंदर से रिस करके बाहर आ रहा है, और एकदम खड़ा पहाड़ काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे अभी किसी को नहाने नहीं दे रहे हैं, नहाने क्या मतलब, इधर जो नहा रहे हैं वो खामखा गंदगी फैला रहे हैं, कभी साबुन लगा रहे हैं इसी में, तो मना करके यहाँ से हटा दिया, और अंदर जाना सेफ भी नहीं है, दैट्स वाई एक यहाँ पे गार्ड है जो सबको अंदर जाने से मना कर रहे हैं। बाकी वो रास्ता है ऊपर मंदिर जाने का, देख सकते हो पूरा जो वाटरफॉल हो रहा है उसका छींटे काफ़ी ज़बरदस्त हवा के साथ उस तरफ जा रही हैं, और ऊपर मंदिर है जाने के लिए वो रास्ता है, बट ये कि अभी ऊपर उस जगह पे इतना पानी जा रहा है कि कोई ना चाहते हुए वो भीगना तो तय है उसका, तो फिलहाल अभी बंदर भी कई सारे ऊपर चल रहे हैं, और काफ़ी मस्त लग रहा है, और हवा बड़ी अच्छी चल रही है यहाँ, पता नहीं वॉइस मेरा कितना आ रहा होगा क्योंकि हवा का काफ़ी आवाज़ है, और पानी काफ़ी छींटे पड़ रहे हैं, और यहाँ पे देखो लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग, देखते हैं नहाने का मूड हुआ तो कहीं पीछे ही साइड से जो पानी जा रहा है वहाँ पे नहाएंगे, यहाँ तो पॉसिबल है नहीं अभी, तो चलते हैं यहाँ से। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। फाइनली आप लोग, हम लोग यहाँ से घूम करके निकल रहे हैं थोड़ी गर्मी बढ़ गई थी बीच बीच में, हवा भी चल रहा है अच्छा, तो इतना पता नहीं लग रहा है, बट पसीना तो आ रहा है थोड़ा बहुत, बट ठीक है मैनेजेबल है, इतना कुछ खास परेशानी वाली बात है नहीं। सो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, टाइम कितना हो गया, एक बज चुका है दोपहर का, और यहाँ से सोच रहे हैं एक और जगह मंझार कुंड की तरफ जाने के लिए, देखते हैं कितना टाइम लगेगा वहाँ, तो सोच रहे एक पॉइंट और देखते हैं उसके बाद फिर घर के लिए निकला जाएगा, बिकॉज टाइम भी लगेगा, रास्ता इतना अच्छा है नहीं, लाइक सिंगल लेन का ही हाईवे था, तो टाइम काफ़ी लग गया पटना से यहाँ आने में, तो अभी मंझार कुंड की तरफ सोच रहे हैं, देखते हैं अभी तक, और वहाँ से फिर घर की तरफ निकलेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा घूम करके, वो देख सकते हो वाटरफॉल और क्लाउड्स क्या मस्त लग रहे हैं, यहाँ पानी देखो
क्लियर पानी है बिल्कुल अभी यहाँ पे। सो वहाँ तुतला भवानी से निकलने के बाद हम लोग मंझार कुंड गए थे, बट वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अभी बंद करके रखा हुआ है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो जाने ही नहीं दिया। तो वहाँ पे मैंने वीडियो भी नहीं शूट किया उस टाइम। तो वहीं से 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर दूर ये है शेर शाह सूरी का टॉम्ब है यहाँ पे। तो ये ASI के अंडर आता है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए और ये लास्ट ही आज का डेस्टिनेशन रहेगा हम लोगों का। तो 25 रुपीज़ इसका चार्ज है, आप ऑनलाइन QR कोड स्कैन करके टिकट्स ले सकते हो, अदरवाइज़ ऑफलाइन पे 5 रुपीज़ ये एक्स्ट्रा लेते हैं। तो सामने ही पार्किंग है रोड के उस तरफ, वहाँ पे कार पार्किंग बाइक पार्किंग है, उसके बाद इधर से एंट्री करके हम लोग जस्ट अंदर आ गए। तो ऐसा कुछ है ये टॉम्ब, और भी रोहतास में बहुत कुछ है घूमने के लिए, बट आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते तो उसको लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। सो आज तो हम लोग एक दिन के लिए यहाँ पे आए थे, तो आई थिंक ये लास्ट ही है अपना डेस्टिनेशन, इसके बाद हम लोग वापस पटना निकलेंगे। तो घूमते हैं इसको, एक्सप्लोर करते हैं कैसा रहता है, देखते हैं अंदर क्या है क्या नहीं। ऐसा कुछ खास तो मुझे लगता नहीं कि होगा, बट लेट्स सी, चलते हैं अंदर। से निकलने का टाइम हो चुका है और शाम होने वाला है, हो ही गया ऑलमोस्ट। वैसे अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं, कब्र वगैरह थी अंदर, आपने देख ही लिया होगा, और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया, उसके बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करना रियल टाइम अपडेट के लिए, तो इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। बाकी अब यहाँ से चल रहे हैं पार्किंग की तरफ। तो अभी हम लोग पटना पहुँचने वाले हैं, लगभग 40-50 मिनट का और रह गया है जर्नी, और अभी अंधेरा हो चुका है तो आप कुछ दिखाने के लिए वैसे मेरे पास बचा भी नहीं है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना वीडियो को, हाँ लाइक भी कर देना। तो बाकी जुड़े रहें चैनल के साथ और ऐसी वीडियोस लाने की कोशिश करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, भैया के हमार बनाते रहें। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे खत्म। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, धन्यवाद, शुभ रात्रि।